بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Welcome to 360 skill set series. Alhamdulillah, we have launched our Arabic language course, and this video is about the demo class or the tutorial for that course. We have been contacted by many students, many participants and outsiders for the details of the course, and I am here to clear all the queries regarding this course. So first of all, इसका कुछ बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा कि हमारा 2021 में एक प्रपोजल है 2021 पॉलिसी के अंदर, जिसमें हमारी एक पूरी सीरीज़ है जिसका नाम है 360 स्किल सेट सीरीज़। उस सीरीज़ में हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज लर्निंग प्रोग्राम है जो हमें इस साल प्लान है और हम कर रहे हैं। उसमें से जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। रिलीजियस डोमेन की तरफ से अरेबिक लैंग्वेज कोर्स का आगाज़ हो चुका है और उसी सिलसिले में ये वीडियो बनाई जा रही है। सो ये अरेबिक लैंग्वेज कोर्स, इसके ऊपर जो छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, मैं वन बाई वन उनको क्लियर करूँगा। द फर्स्ट थिंग कि इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, इस कोर्स के जो डिफरेंट लेक्चर्स हैं उनकी क्या तादाद है, फ्रिक्वेंसी क्या है। तो इस कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 weeks है, और इसको आप 1 month भी कह सकते हो। हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हम अपने रमज़ान के आने से पहले पहले अपना कोर्स जो है वो कवर अप कर लें। इसमें टोटल 8 लेक्चर्स हैं और हर और 2 क्विजेज रखी गई हैं, और इसके अलावा ये कोर्स जो है टोटली सर्टिफाइड और वेरीफाइड कोर्स है। इसको लेने वाला हर पार्टिसिपेंट जो है वो एंड पे सर्टिफिकेशन लेगा। इसके अलावा इस कोर्स के अंदर जो ट्यूटर है वो मैं खुद भी हूँ, और साथ में कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि हमें सुपरवाइज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव एक्सपीरियंस और अरेबिक ग्रामर फॉर मोर देन 6 ईयर्स, और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो मुझे आती हैं, वो मैं अच्छे से डिलीवर कर सकूँ। मेरी यही दुआ है अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। बाकी इस कोर्स की टाइमिंग जो है वो सबके लिए सूटेबल रखी जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये इशा की नमाज के बाद रखा जाएगा, ताकि सब लोग जो फ्री हो जाएँ अपने रोज़मर्रा के कामों से, वो इसे आराम से ले सकें। इसके अलावा इस कोर्स की जो डेट्स हैं, डेज हैं, वो भी वीकेंड्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबली संडे सैटरडे लाइक डैट, और एक डे जो है वो वर्किंग डे में आएगा, डैट विल बी वेनसडे और थर्सडे अकॉर्डिंग टू द टाइम फिजिबिलिटी, जो कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स की मर्जी से रखेंगे। बाकी वीकेंड्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली चलेंगे। इसके साथ साथ इस कोर्स की जो आउटलाइन है वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये अरेबिक लैंग्वेज कोर्स जो है 360 स्किल सेट सीरीज़ का एक पार्ट है। इसकी लर्निंग आउटकम्स में आपको पता होना चाहिए कि इसे इंशाल्लाह हम अरेबिक ग्रामर की जो बेसिक कमांड है वो हासिल कर लेंगे, साथ में जो कुरान पाक का मीनिंग है वो आई गारंटी कि इस कोर्स को हर पार्टिसिपेंट लेने वाला जो है वो समझ सकेगा। आई गारंटी इट इंशाल्लाह ताला कि अगर इस कोर्स को अच्छे से लिया जाए और इसको अप्लाई किया जाए, जो कि हमारे कोर्स का ही एक लेक्चर है जिसमें हम कुरान पाक के ऊपर अप्लाई भी करेंगे जो हमने चीज़ें सीखी होंगी, तो उसे हमें कुरान पाक की अंडरस्टैंडिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बेसिक लेवल इंटरप्रिटेशन है, बेसिक्स का पता चल जाएगा, और जितने भी जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम कमांड हासिल कर लेंगे। अरेबिक ग्रामर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डेट इज़ इल्मु सर्फ और इल्मु नहव। इल्मु सर्फ जो है ये बेसिकली द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के ऊपर वर्क, पूरा का पूरा इल्म है, नॉलेज है, जबकि जो कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस है वो इल्मु नहव है। मैंने बड़ी प्रिसाइसली डेफिनेशन बताई है, और इसके अकॉर्डिंग ये कोर्स जो है हमारा बेसिकली इल्मु सर्फ पे बेस कर है मोस्टली। इसका पार्ट जो है फर्स्ट जो है लेक्चर वो इंशाल्लाह ऑन द अल्फ़ाबेट्स पे है, और अल्फ़ाबेट्स में हम बहुत सारी ऐसी वोकेबलरी भी सीख लेंगे जो कि हमें आगे जाकर कुरान पाक के डिफरेंट जगहों के ऊपर जो वर्ड्स आते हैं उनको समझने में आसान कर देगा। और इसके अलावा
कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए स्टार्टिंग जो है उसके अल्फाबेट से ही की जाती है। इसके दूसरा लेक्चर जो है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव्स पे है, तीसरा नाउन प्रोनाउन, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हम साथ साथ सीखेंगे और एक्सरसाइजेस भी करेंगे, वर्ब्स हैं और इनके टेंसेज हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो है इल्म फेल माजी और फेल मुजारे जो है हम उनकी गर्दाने भी इसमें कवर कर लेंगे होपफुली, क्योंकि वही एक सबसे ज़्यादा इसका जो मोस्ट कंसेंट्रेटेड और थिकेंट पार्ट है इस कोर्स का, इन गर्दानों के ऊपर है जो हम इस कोर्स के थ्रू सीखेंगे और याद भी करेंगे, साथ साथ उसकी दोहराई यानी कि रेपिटिशन भी होगी। इसी की वजह से हमने प्रेपोजिशन जो इसका फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद जो लेक्चर है वो रिवीजन के ऊपर रखा है कि हमने जो जो सीखा होगा, जो जो ग्रामर सीखी है उसको हम रिवाइज करें, उसको समराइज करें और उसके अंदर से जो डिफरेंट उसकी ब्रांचेज थी जो कि लेक्चर के दौरान नहीं बताएंगी, एक्सेप्शंस थी वो क्लियर की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटिव्स, मून लेटर्स कौन से हैं, दूसरे सोलर लेटर्स, सन लेटर्स कौन से हैं, इल्म जो कि हर्फ शमसी, हर्फ कमरी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर बेसिक हम चीज़ें सीखेंगे जो कि स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फिर हमारा जो लास्ट हमारे जो दो लास्ट लेक्चर्स होंगे वो प्रैक्टिस होंगी कुरान पाक के ऊपर, पहले बेसिक लेवल प्रैक्टिस होगी, जो बड़ी कॉमन सूरह है हम उसको लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, उसके डिफरेंट स्टैंड स्ट्रक्चर्स के ऊपर, डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स के ऊपर वर्कआउट करेंगे, और लास्ट हमारा जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होगा कि हमने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आयात चूज करनी है और उसके ऊपर अपनी जितनी भी चीज़ें पढ़ी होंगी उसको अप्लाई करके चेकआउट करना है कि हमें चीज़ों की समझ आई है और इसको किस तरह से हमें इम्प्लाई करना है आगे जाकर कुरान पाक में भी और डिफरेंट अरेबिक लैंग्वेज की जो बुक्स हैं उसके ऊपर भी। हमें इस चीज़ का आइडिया है कि अरबी ज़बान को सीखने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ अबाउट परसेप्शन, यू नो, और इसके बाद जो है एनकोडिंग होती है ब्रेन के अंदर, और लास्ट पे यानी सेकेंड स्टेप और एनकोडिंग है, और इसके बाद जो है उसकी डिलीवरी है, उसको आगे पहुंचाना है। लाइक यू कैन से कि हमारे पास फर्स्ट सेंसेशन आती है, उसके बाद इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स उसको एनकोड करते हैं, फिर मोटर न्यूरॉन्स उसको आगे मैसेज को लेकर जाते हैं, डिलीवर करते हैं। यही बेसिक लेवल है लर्निंग का, जिसको लर्निंग प्रोग्राम कहा जाता है। हमारे जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं यानी कि परसेप्शन और एनकोडिंग, वो हमारे लेक्चर के अंदर इंश्योर हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो लास्ट प्रोसेस है डिलीवरी का या फिर आगे मैसेज डिलीवर करने का, वो हमारे क्विज के थ्रू इंश्योर कर दी जाएगी। इसको लेने इसके 2 मोड्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट सिंगल मोड है और सेकंड जो है वो टीम मोड है, जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि एक टीम की फॉर्म में हमारी जब एक्टिविटीज़ होंगी और क्विज होंगे वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे, आपके लिए भी लर्निंग के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आप टीम जो है अपनी फैमिली में से, अपने क्लोज फ्रेंड्स में से, अपनी टीम मेंबर में से किसी में भी आप चूज़ कर सकते हो, जिनको इंटरेस्ट है उनको आप इन्वाइट करें, दावत दें इस चीज़ की। इसके अलावा इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा, उसको आपने रजिस्टर कर लेना है। इसकी फीस जो है वो 300 रखी गई है, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इसको इतना मिनिमाइज किया है कि ये हर स्टूडेंट के लिए, हर सीखने वाले के लिए अफोर्डेबल है, और इतना मिनिमाइज है, मिनिमल है कि इसको आराम से लिए पे भी किया जा सकता है। और इसको रखने का मकसद ये है कि इस कोर्स की जो वैल्यू है वो ना डाउन हो जाए, और दूसरा ये कि एक चीज़ मैं लाजमी लास्ट में मेंशन करना चाहूँगा कि हम दुनिया के हर इल्म के लिए अपना, अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ लगा देते हैं। जब बात आती है कुरान पाक के ऊपर, आपने देखा होगा सबसे जो लोअर क्लास के जो समझा जाता है वो मदारिस को समझा जाता है, उसके बच्चों को समझा जाता है, इस तालीम को इतना डिग्रेड कर दिया गया है कि अब हमें इसको, इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना है, हमें इसको अपनी मॉडर्न लाइफ के अंदर इंक्लूड करना है इंशाल्लाह। इस कोर्स का सबसे प्राइमरी पर्पस ये है कि इसको दोबारा से जिंदा किया जाए उन लोगों के अंदर जो कि इस चीज़ से महरूम रहे हैं स्पेशली। सो आई होप सो कि सारे जो लोग सुन रहे हैं और इसको आगे शेयर करेंगे, वो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को दावत देकर इसमें इसको पार्टिसिपेट करेंगे। इट्स फॉर यू, हम आपके लिए फ़ायदा है। अल्लाह ताला हम सबको हमारे कामों में, हमारे नेक दिली जायज़ हाजात में आसानी और हमारे उसमें कबूलियत अता फरमाए। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन इन केस अगर जो कि इस वीडियो में कवर अप ना हो, तो आप इधर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
सी यू सून इन द कोर्स. जजाकल्लाहु खैर.